पिछले दौर में आपने देखा है कि जैसे जब हम शुरुआत मैंने महस की थी कि कैसे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का सपना देखा गया था सोशल मीडिया और न्यू मीडिया के साथ, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि अगर आप मोबाइल खोलेंगे, अगर आप अपने सोशल मीडिया वॉल पे चल रहे हैं तो मैक्सिमम चीजें जो है वो शेयर मिलेंगी आपको, जो कि मेनस्ट्रीम मीडिया की ही वेबसाइट की खबरें हैं, उनके कई एनालिसिस वगैरह वगैरह आपको मिलते रहेंगे अपने फेसबुक वॉल पे या अपने दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो हमने देखा है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन की जो बात की जा रही थी शुरू में कि वो एक तरह से जब लोगों के हाथों में अपना मीडिया आ जाएगा वो अपनी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट किया करेंगे, तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मीडिया जो मीडिया होगा वो एक तरह से सोसाइटी को एम्पावरफुल करेगा, सोसाइटी को एम्पावर करेगा। तो क्या ये इसी तरह से हुआ है, क्योंकि हमने देखा कि धीरे धीरे जो वेबसाइट जैसे बहुत ज़रा ब्लॉगिंग का कल्चर आया, हमारे पास ब्लॉगिंग के एक तरह से बहुत बड़ी मशहूर ब्लॉग चलाने वाले अविनाश यहाँ बैठे हुए हैं। एक दौर में मोहल्ला लाइव जो था वो बहुत मशहूर, बहुत ज़्यादा पढ़ा जाने वाला ब्लॉग था, लेकिन धीरे 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 मोहल्ला लाइव जैसे ब्लॉग्स खत्म होते गए और जो मेन स्ट्रीम का जिसके हाथों में मेन स्ट्रीम मीडिया हुआ करता था उसी मीडिया उन्हीं मीडिया हाउसेज ने इस तरफ अपना रुख किया और उनकी वेबसाइट्स ने एक तरह से पूरी तरह से फ्लडिंग कर दी, पूरी तरह से उन्होंने इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहां किया कि जो जो स्वतंत्र जिनसे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन या जो मीडिया के अलग अलग इंस्टीट्यूट बनने की उम्मीद थी वो सब खत्म हो गई और पूरी तरह से कॉर्पोरेट ने एक तरह से कब्जा कर लिया मीडिया हाउसेज ने जो इंटरनेट मीडिया में थी। तो ये जो परिघटना है इसे कैसे देखेंगे कि सोशल मीडिया को भी ऑक्यूपाइज के जरिए किया गया। इकोनॉमी बदलती है, ग्लोबलाइजेशन आता है, सारी दुनिया एक बड़ा सा गांव बन जाती है, कंपनियां अपने देशों की दीवारें तोड़ के तब दुनिया में व्यापार करने लगती है, मनी का बम्बार्डमेंट होता है, ठीक है, दैट मनी इज कमिंग, कंपनीज आर कमिंग, ब्रांड्स आर कमिंग, नाउ दे हैव टू रीच टू द इंडियन मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज। सो वो कहाँ से होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया का 5 पेज का अखबार छापता है, 50 पेज का विज्ञापन छापता है, तो वो लाखों हजारों करोड़ों अरबों पन्ने पे विज्ञापन छप के घर घर पहुंचना शुरू होते हैं हिंदुस्तान के मध्य वर्ग में टू सेल दैट लाइफस्टाइल व्हिच इज कमिंग एंड चेंजिंग थ्रू इकोनॉमी थ्रू ग्लोबलाइजेशन। वही सारे मीडिया हाउसेस अपना चैनल शुरू करते हैं, वो सारे मीडिया हाउसेस बाद में अपनी वेबसाइट्स लॉन्च करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ब्लैक एंड व्हाइट से कलर टीवी, कलर टीवी से एलसीडी, से एलईडी, एंड इट विल चेंज एवरी डे। सो द मीडियम इज चेंजिंग, मोबाइल इज कमिंग, इंटरनेट इज कमिंग, 2G, 3G, 4G, 5G, 10G, आई मीन द स्पीड विल लाइक यू नो मतलब फोन पर इतना स्पीड। सो सवाल ये नहीं है, वो तो चेंज हो रहा है, वो सहज रूप से जैसे बाकी सारी चीजें बदल रही है ये भी बदल रहा है। केबल इज गेटिंग आउटडेटेड, टाटा स्काई वीडियो फला ढुमका का इतना ऐड आता था, नाउ नेटफ्लिक्स एंड अमेज़न प्राइम इज द न्यू थिंग, थोड़े दिनों में वो भी आउटडेट हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजी एंड मीडियम इज एवरीडे चेंजिंग, मोबाइल जर्नलिज्म इज अ न्यू थिंग, अभी ऑनलाइन भी धीरे धीरे जा पीछे जा रहा है। हम लोग जो ऑनलाइन मीडियम में काम करते हैं वी हैव बीन टॉट एवरीडे कि 80% लोग न्यूज मोबाइल पे देख रहे हैं, सो मोबाइल के हिसाब से बनाओ, 300 शब्द लिखो क्योंकि मोबाइल पे लोग शॉर्ट में पढ़ते हैं, उनका 3000 शब्द का ओपिनियन पीस पढ़ने का न किसका फुर्सत है, ना दिमाग है, ना उसको जरूरत है, 200 शब्दों में जो कहना है कह दो। सो नाउ वी आर सेइंग कि हाउ टू लाइक यू नो मीडिया एंड सोशल मीडिया का कनेक्ट कैसे, एवरी मीडिया हाउस इज यूजिंग, इसका जवाब जो है ना वो हमारी न्यूज रूम के अंदर है, जहाँ पे कभी पहले सुना था सोशल मीडिया एडिटर, ये दिस पोस्ट वाज एग्जिस्टेड 10 इयर्स बैक, इट वाज सो आप अभी नए जो जॉब है सारे मीडिया ऑनलाइन हाउसेस के अंदर दैट सोशल मीडिया एडिटर, द वन हु इज मास्टर ऑफ ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यू नो एंड ऑल दैट, और वो उसका वो करता है एंड वी मैनेज इट, देयर इज द होल लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी बिहाइंड कि फेसबुक किसको किस समय प्रमोट कर रहा है, नेटिव डालो तो करेगा, शेयर करोगे तो नहीं करेगा, उसका पूरा यू नो बहुत सारा गणित है, मैं उस गणित में नहीं जा रही हूँ, बट बिकॉज पीपल आर स्पेंडिंग यू नो 24 घंटे में से मतलब हर किसी का देयर रिसर्चेस ऑन इट, कितने सारे शोध हो रहे कि कितना घंटा लोग पूरे समय अपने मोबाइल पे सोशल मीडिया पे बिता रहे, तो सारे न्यूज कॉन्टेंट्स को मीडिया हाउसेस को लोगों तक पहुंचना है, हमारा 70% क्राउड
सोशल मीडिया से आ रहा है, मतलब कि देखो कि इनकी वेबसाइट पर जो लोग आके पढ़ते हैं उसमें से 70% सोशल मीडिया के जरिए आते हैं, क्योंकि वहां पे शेयर कर रहे हैं वो उनके न्यूज फीड में दिख रहा है, वहां से वो हमारे पेज पे आ रहे हैं। नेट जो आया जो ऑनलाइन मीडिया है वो मतलब बिल्कुल कौड़ियों का मीडिया है, उसमें बड़े हाउसेस को एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा है, उनकी पूरी रिपोर्टिंग टीम चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हो चाहे प्रिंट मीडिया की हो, उनको अब इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट का मामला खत्म हो गया है। अब जो जर्नलिस्ट है मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट है, आज के पत्रकार को अपनी कॉपी भी लिखनी है, जरूरत पड़ने पर वॉइस ओवर भी करना है और उसको शूट भी करना है। अब कैमरामैन जा चुका, अब मोबाइल पे सारी शूटिंग हो रही है, अब बैठे बैठे मोबाइल पे मैं चाहूं तो यहां मैं कार्यक्रम कर भी रहा हूं और आप लोगों का वीडियो बना के चाहूं 30 सेकंड के क्लिप अपने ऑफिस में भेज दूं और अगले आधे घंटे में वो चल भी जाए, तो मैं बैठे बैठे सारे काम यहां से कर लूंगा। तो एक तो ये है, दूसरा जो सबसे खतरनाक बात है कि इसमें लगातार खबरों के चुनाव में जिसको ह्यूमन इंटरवेंशन बोलते हैं, मानवीय दखल जिसको बोलते हैं, वो कम हुआ है। अब खबरें कैसे चुनी जाती हैं, हम कौन सी खबर सबसे पहले लें, हम गूगल समाचार पे जाके गूगल न्यूज पे जाके देखते हैं ट्रेंड सबसे ज्यादा क्या कर रहा है, हमें दिखाई पड़ता है कि आज तो गुजरात ट्रेंड कर रहा है तो फिर सारी खबरें गुजरात की जाएंगी, हम देखते हैं कि ना अभी तो बिल्कुल शोएब इलियासी ट्रेंड कर रहा है तो शोएब इलियासी से मेरा दिमाग नहीं लगा रहा है, मुझे मेरा एडिटर मुझे गलत साबित कर देगा कि सब तो शोएब इलियासी को देख रहे हैं, तुम क्या ले चले हो जींद की खबर को, एक लेवल ये है। दूसरा, लेकिन ये ट्रेंडिंग का मामला भी जो है इसमें भी एक पेच है, कई बार वो सारी चीजें ट्रेंड करने लगती हैं जो आप चाहते हैं जो मीडिया चाहता है कि ट्रेंड ना करे। जैसे मैं आपको बहुत पहले की घटना बताता हूं, शायद जींद में दो लड़कियों ने, नहीं यूपी का कौन सा शहर था, दो लड़कियों ने पेड़ से फांसी लगा के जान दे दी थी, जींद का ही मामला था। दो दिन तक वो खबर हम लोग छुपाए रखे, किसी मीडिया ने उसको दिखाया नहीं क्योंकि वो तस्वीरें जो थी दिखाया जा सकने लायक नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया पे वो ट्रेंड करती करती वो खबर अल्टीमेटली हमारी आंख का कांटा बन गई। दूसरा, दामिनी वाला जो मामला था, दामिनी वो हाजिर वो जो मामला निर्भया वाला, वो अखबारों ने उसको उठाया, लेकिन उसको सबसे शुरू में मुझे याद है कि जिस दिन सुबह खबर आई थी उस दिन एक और बड़ी खबर थी, हम लोग लगातार चाह रहे थे कि इस पर प्रेशर बनाए, लेकिन उस दूसरी राजनीतिक खबर का दबाव भी था, मैं भूल गया क्या खबर थी। अगले दिन सोशल मीडिया पे जो लोगों ने देखा आंदोलन, तब अचानक अखबार वाले टीवी वाले सब उस पर टूट पड़े। तो सोशल मीडिया कई बार मुद्दे तय कर रहा है, स्वायत्त ढंग से भी कर रहा है, ये सच है कि उसको बाद में अखबार वाले ले ले रहे हैं, टीवी चैनल वाले ले रहे हैं, ऑनलाइन मीडिया ले ले रहा है। इस बात को लेकर बहुत दुखी होने की जरूरत नहीं है, वैसे ही जैसे संसार में बहुत कुछ कॉर्पोरेट पैसे वाले गुंडे नेता ये वो सब चल रहा है, तो उससे दुखी नहीं हो, लेकिन हाँ सोशल मीडिया ने मंच दिया और वो उन सारी आवाजों को, मतलब औरतों की ही बात लीजिए ना, मैं तो घूम फिर के मेरी सुई वहीं जाके अटकने वाली है कि और कहाँ बोल सकते थे वो सारी बात, और कहाँ कह सकते थे जो बिकॉज लाइक आर प्लेटफॉर्म लाइक स्टे वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, और इतनी सारी लड़कियां और वो सारी प्रोमिनेंट बातें, इसी 2000 और ज्यादा पुरानी बात 2008 की बात है, आई वॉज इन दैनिक भास्कर भोपाल, मैंने मेंस्ट्रुएशन के ऊपर हिंदी अखबार में कोई आर्टिकल लिखा था, वो वुमेन्स पेज पे, उसको लेके इतना क्रिटिसिज्म हुआ ऑफिस के अंदर और दोस एडिटर्स, मतलब कोई खुल के बोल नहीं रहा है लेकिन इनडायरेक्टली, मतलब आपको ना शर्मिंदगी महसूस करा दें कि आप किस तरह के विषयों पे लिख रहे हो, ये क्या बात करती है, ये कोई ऐसे ओपनली अखबार में लिखने की बात है, लाइक छी 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 छी। एंड आज 2017 सिर्फ 9 साल बीते हैं, फेसबुक के ऊपर मतलब लड़कियां जो है धो धो के मार रही है, हर चीज पे लिख रही है, अब क्या कर लेंगे।